कुमारी शैलजा ने अंबाला शहर में स्थित बलदेव नगर व सिंगावाला गांव में पहुंचकर जनसभाओं को किया संबोधित। अंबाला शहर लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा का बलदेव नगर व सिंगावाला गांव पहुंचने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूलों व गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए कुमारी शैलजा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि हमने कभी झूठ की राजनीति नहीं की, हम सच की बुनियाद पर सत्ता में वापस लौटेंगे। अंत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश शासन ने सभी कार्यकर्ताओं का सभा में पहुंचने पर धन्यवाद किया। हमारे बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हरीश शासन जी के आज हम निवास स्थान पे पहुंचे हैं। आज इन्होंने बहन कुमारी शैलजा जी को अपने यहाँ पर गली में बुलाया और उन्होंने अपने प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए जनता को बहुत अच्छे से अपना जो है महत्व बताया। इसके बारे में हमारे बीच में कांग्रेस कार्यकर्ता जी आप सभी को बताएं। ऐसे आज हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से बुलदेनगर में पब्लिक मीटिंग रखी हुई थी, पर लोगों का अपार जन समर्थन हमें मिला, हजारों की तादाद में बंदे आए। हम खुद हैरान थे कि जनता का इतना समर्थन हमारी आज से ज़्यादा था। और लोग बोल रहे थे कि हमें मोदी नहीं चाहिए, कांग्रेस पार्टी चाहिए, मोदी ने झूठे वादे किया है, हमारी 2-2 करोड़ भी नौकरी मिलेगी, 15-15 लाख खाते में आएगा, इसने धोखा दिया हमें। अब इसके धोखे में आने वाले नहीं हैं और हम जुमलाबाजी से तंग होकर कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से जिताएंगे और हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बनेगा तो राहुल गांधी ही बनेगा। प्रकार से लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत जीतेंगे रतनलाल कटारे को, किस प्रकार से? जनता का प्यार है, जनता ने फैसला कर लिया है। 5 साल की जो राजनीति चली, एक झूठ की राजनीति चली, लोगों को बरगला कर 5 साल पहले वोट लिया गया लेकिन किसी भी बात पर खड़ा नहीं उतरे। हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ धोखा हुआ। अब कहीं भी पूछ लीजिए, चाहे किसी गांव में, किसी शहर में, किसी मोहल्ले में, लोगों का उत्साह देख रहे हैं। लेकिन आम जनता मोदी मोदी कर रही है, फिर भी ये क्यों कर रहे हैं? आप शायद कह रहे होंगे, मैंने तो कभी भी नहीं सुना। कुछ इसलिए है क्योंकि हमने कभी लोगों को बरगलाया नहीं है और जब हमें मौका मिला, 10 साल का मौका दिया, 2 बार यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, हमने जी भर के काम किया और लोगों के कहने से काम किया, उनकी सेवा कारी। कभी मैंने कहा जब हम अपने शिक्षा का बजट डबल कर देंगे, 6% कर देंगे, तो उस समय इन सारी बातों जो आज के दिन दिक्कतें आ रही हैं, खासतौर से सरकारी स्कूल जब अच्छे हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे, तो लोग अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे और उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी।